शहीद स्वाभिमान यात्रा के हिमाचल पहुंचने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में स्वागत किया तथा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ 23 मार्च को इंडिया गेट से भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की प्रतिनिधि मेजर जनरल अशोक नरूला ने हरी झंडी दिखाकर किया है। ये 25,000 किलोमीटर की यात्रा 29 राज्यों से होकर वापस दिल्ली लौटेगी। 3 माह तक चलने वाली इस यात्रा का नेतृत्व शहीद स्वाभिमान यात्रा के संस्थापक अध्यक्ष विधुड़ी कर रहे हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने स्वाभिमान यात्रा का हमीरपुर जिला में पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि शहीद स्वाभिमान यात्रा दिल्ली से चलकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कोलकाता, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, शिवपुरी, मेरठ, देहरादून, नंगल होते हुए आज हमीरपुर पहुंची है। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान यात्रा देश भर के लोगों में राष्ट्र के प्रति सम्मान भाव को जागृत कर रही है तथा शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति मान सम्मान का भाव युवा पीढ़ी में जागृत करने के लिए ये यात्रा सार्थक सिद्ध होगी। जब इस देश के युवा मन में ठाने कि शहीद स्वाभिमान यात्रा निकालनी देश के 29 राज्यों में 25,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना है, सैकड़ों शहीदों के परिवारों से मिलकर उनकी शुभकामनाएं देनी है, उनकी समस्याओं को जानकर स्थानीय लोगों से समाधान करने का प्रयास करवाना है, उनका मनोबल बढ़ाने से लेकर आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। तो ऐसे हमारे युवा मित्र श्री सुरेंद्र सिंह भदौड़ी जी ने जो अपनी ओर से प्रयास किया है कुछ अपने युवा साथियों के साथ, वो सराहनीय है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस यात्रा को सफल बनाए और पूरे देश में आज के युवाओं में राष्ट्रभक्तों के प्रति, शहीदों के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके बारे में जग जागरण करें, उनके परिवारों तक पहुंचे और पूरे देश में एक नया वातावरण खड़ा करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर यात्रा के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि देश में भारत मां के वीर सपूत शहीद आजम भक्त सिंह की सबसे विशाल प्रतिमा की स्थापना करना उनका एक बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए इस यात्रा के माध्यम से हर राज्य से मिट्टी लाई जाएगी। वहीं विशाल प्रतिमा के साथ ही शहीद स्मारक और शहीद संस्थान की स्थापना की जाएगी, जहां आने वाले लोगों को देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के लिए प्राण निछावर करने वाले शहीदों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। ये संस्थान देश की भावी पीढ़ी को राष्ट्र भक्ति का पाठ भी पढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान संगठन धर्म, जाति, वर्ग, वेश आदि से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र के शहीदों और वीर जवानों को समर्पित है। ये संगठन देश के उन वीर शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलख जगाने का काम कर रहा है, जिन्होंने देश के शहीदों के प्रति लोगों को जागरूक करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। 23 मार्च को हमारी यात्रा दिल्ली से निकली थी, शहीद स्वाभिमान यात्रा, 29 राज्य, 90 दिन और 25,000 किलोमीटर। आज हमें 81 दिन हो चुके हैं यात्रा को और कम से कम 17,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके 24वां राज्य हमारा हिमाचल हमीरपुर पहुंचे हैं। हमारी यात्रा का खाली एक ही मोटिव है, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है उन शहीदों को नमन करने के लिए निकली हमारी यात्रा। उनका जितने भी हिंदुस्तान में शहीद हुए हैं वहाँ पहुंचकर वहाँ से हम थोड़ी सी मिट्टी कलेक्ट करते हैं, जो भी शहीद हुए हैं उस मिट्टी से हम शहीद आजम भगत सिंह की जो कम से कम 100 फीट की एक स्टैचू जो बनाने वाले हैं, स्टैचू के साथ साथ उसमें स्मारक भी बनाई जाएगी, जिस स्मारक में हमारी यात्रा भी साउथ में गई थी, नॉर्थ ईस्ट में गई थी और जो भी शहीद हुए पूरे हिंदुस्तान में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, सबके बारे में उस स्मारक में बताया जाएगा। और शहीद आजम भगत सिंह को आज तक सरकारों ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है, तो वो भी हमारी मांग है जितने भी शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, नेताजी सुभाष जी हैं, सुखदेव जी हैं, राजगुरु जी हैं, अशफाक उल्लाह खान साहब, जितने तमाम शहीद हुए हैं। हमारी ये भी एक सरकारों से मांग है कि कम से कम जितने भी हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं उनके लिए एक शहीद स्वाभिमान कार्ड आप बना दीजिए, जिस कार्ड के माध्यम से जितने भी शहीद होते हैं स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, सबसे पहले उनको पूछा जाए। और डिफेंस में जितने भी डिफेंस में हमारे जवान हैं, एक जो उनकी इनकम पर टैक्स लगता है, एक वो टैक्स ना लगे। और ये यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है, आज से पहले
आज़ादी के बाद इतनी बड़ी यात्रा शहीदों के सम्मान में किसी ने नहीं निकाली है। और जो स्टैचू हम बना रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की, वो भी एक बड़ी स्टैचू है जो 100 फीट से ऊपर की है। और 25 जून को हमारी यात्रा का समापन दिल्ली में होगा, अपना मालवनकर हॉल में समापन इस यात्रा का होगा, जहाँ पे सारे शहीद परिवार को हमने बुलाया है, वहाँ पे उनको हम सम्मान करेंगे। वहाँ से हमने थोड़ी सी मिट्टी पवित्र मिट्टी भी ली, इस कलश में हमने वो मिट्टी को रख कर, इसी कलश में जो मिट्टी हम इकट्ठी कर रहे हैं, थोड़ी सी मिट्टी मिला के उस स्टैचू शहीद आजम भगत सिंह का हम बढ़ाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने शहादत दी है उनको हम ना भूलें, वो हमारे रियल हीरो हैं, उनके परिवार वाले रियल हीरो हैं। जहाँ भी कहीं आपको शहीद परिवार मिले, आप उनको मान सम्मान दीजिए, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ मान सम्मान मांगते हैं। तो ये यात्रा का मकसद भी यही है, उन सबको, शहीदों को मान सम्मान देने का।